गुड मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ये गिनती शुरू हुई है। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग की जा रही है और सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पीजी कॉलेज में 20 राउंड में ये काउंटिंग होगी। सुरक्षा कड़ी है। अमरवाड़ा उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान हुआ था। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 78.71% वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बज चुके हैं। ऐसे में बैलेट पेपर की सबसे पहले काउंटिंग हो रही है और साथ ही साथ सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में नजर यही रहेगी कि आखिर किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। सीधी टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। शाह वर्सेस शाह की लड़ाई है। छिंदवाड़ा, क्योंकि इतने सालों तक कमलनाथ का किला माना जाता था, अभेद किला माना जाता था, हालांकि लोकसभा चुनावों में यहां पर बीजेपी ने अपनी पैठ बरकरार करी और अब कांग्रेस को यहां बड़ी हार दी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। शाश्वत, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या माना जाए आखिर कितनी ज्यादा कड़ी टक्कर? देखिए, बिल्कुल अस्मिता, काउंटिंग शुरू हो गई। बैलेट पेपर की काउंटिंग 8 से 8:30 बजे तक होगी और 8:30 बजे से ईवीएम सुनना शुरू हो जाएगी। देखिए, टक्कर तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस ने, देखिए, कमलेश शाह 3 बार के विधायक अमरवाड़ा से रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने गोविंद शाह एक नाथी को टिकट देके, जो कि आदिवासी था, माचल कुंड के सेवादार से, कि परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को, क्योंकि आस्था का विषय है। अगर आप उस क्षेत्र में जाएं तो आंचल कुंड एक बहुत बड़ा आस्था का जगह मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुकाबला बहुत रोचक है। तो और देखिए, यहाँ पे देव रावण भलावी जो कि चुनाव लड़ रहे हैं कुंडवाना गणतंत्र पार्टी से, तो उन्होंने कई मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुकाबला बहुत रोचक होगा और मामला त्रिकोणी, देखिए, जब मामला त्रिकोणी हो जाता है किसी विधानसभा, क्योंकि अमरवाड़ा एक बहुत छोटी विधानसभा सीट है, कुछ ज्यादा बड़ी विधानसभा सीट नहीं है, तो मुकाबला जब वहां पे ट्रायंगुलर हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखें मुकाबला बहुत रोचक होता है। और देखें, बहुत काफी राउंड की काउंटिंग के बाद ही रिजल्ट आ पाएगा कि तकरीबन कौन यहां से जीतेगा। आप देखें, थोड़े से अगर लीड भी होती है किसी की, तो क्योंकि मामला जब त्रिकोणीय होता है तो फिर कहीं ना कहीं ये उम्मीदवार अपने आपको श्योरिटी नहीं कह सकता कि वो जीत ही जाएगा। कम से कम आप अभी थोड़ी देर में रुझान आना चालू हो जाएंगे, तकरीबन 10 से 11 बजे तक जो तस्वीर पूरी क्लियर हो। बिल्कुल शाश्वत, क्योंकि छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस का अभेद किला माना जाता था, हालांकि बीजेपी ने इसे भेदा और जीत यहां पर दर्ज कराई। अब ऐसे में अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए जीत कितनी ज्यादा अहम हो जाती है? देखिए, कांग्रेस के लिए जीत सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखें कि जीतू पटवारी ने कम से कम, अगर जो उनका अध्यक्ष उन्होंने संभाला पीसीसी अध्यक्ष, तो उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं अगर उन्होंने ध्यान दिया तो वो अमरवाड़ा विधानसभा सीट है। वो लगातार तकरीबन उन्होंने हर ब्लॉक, हर गांव तक पहुंचने की कोशिश की। तो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी सीट है, क्योंकि 7 सीट छिंदवाड़ा लोकसभा की कांग्रेस के पास, लोकसभा की सभी विधानसभा की सीट कांग्रेस के पास थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस हमेशा 7-0 के अपनी जो उसकी जो बढ़त थी वो उसको कायम रखना चाहिए। और देखिए, कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसके बाद कहीं ना कहीं अमरवाड़ा का जो विधानसभा चुनाव वो उसका लिटमस टेस्ट है कहीं ना कहीं। और देखें, और ये हालांकि लोकसभा चुनाव में हार हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है अमरवाड़ा का विधान, कहीं ना कहीं कमलनाथ और नकुलनाथ का स्टेक भी दांव पे लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो देखें, तो ये जो अमरवाड़ा की जो जीत है वो कांग्रेस के लिए सबसे अहम मानी जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने देखें आस्था के लिए, क्योंकि कांग्रेस के अगर देखा जाए तो उनके कैडर के कई लोगों के नाम आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी समय पे कांग्रेस ने जो राचल कुंड के जो सेवादार जुड़े, तो कहीं ना कहीं उन्होंने, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया कि कहीं ना कहीं आस्था भी इसमें मिलाई जाए, क्योंकि लोगों का आस्था से जुड़ा केंद्र है। तो आप देखें कि कांग्रेस के लिए, देखें, आप देखना होगा 2 से 3 घंटे में कांग्रेस इस रणनीति में कामयाब हो पाती है कि नहीं। बिल्कुल, ये खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन क्योंकि ये 2 से 3 घंटे में साफ होगा तस्वीरें। अब क्योंकि आप ग्राउंड में रहते हैं, लोगों से बातचीत होती है, जुड़ते हैं, उनके मुद्दे समझते हैं, लोगों की अगर बातों को समझा जाए, उसको देखकर आपने क्या भापा, आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल अस्मिता, वोटिंग के दिन में बिल्कुल अमरवाड़ा में था और जो लोग वोट देने जा रहे थे और जो लोग वोट दे के आ रहे थे उनसे सभी से लगभग बात कर पाई। तो लोगों का, देखिए अस्मिता, लोगों का ये कहना था कि स्थानीय स्तर पे हमने वोट किया है।
देखें कमलेश शाह क्योंकि बीजेपी में आ गए और राज्य सरकार बीजेपी की और केंद्र में सरकार भी अभी बीजेपी की है, तो लोगों का जो ज्यादातर झुकाव था वो सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा था। और आमतौर पे देखा जाए कि जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के पक्ष में ज्यादा जाते हैं, बहुत कम आप देखें चांसेस होते हैं कि उलट फेर होता है, तो जनरली उपचुनाव देखा जाता है तो सरकार के साथ जाते हैं। आप देखें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आप देखें अमरवाड़ा चुनाव को काफी गंभीरता से लिया, कम से कम उन्होंने 4 दौरे तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर किए, तो लोगों का स्थानीय स्तर पे विकास का मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं। और आप देखिए 3 बार से कमलेश शाह अमरवाड़ा से विधायक रहे, हालांकि वो कांग्रेस से थे और 2003 से सरकार जो है भाजपा की है, तो कहीं ना कहीं लोग अगर आप अमरवाड़ा का आप देखिए ट्राइबल सीट है, वहां पे विकास की काफी संभावना है। और आप देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं जो है और जो पानी की सुविधाएं और खासतौर पर सड़क जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी काफी कमी है अमरवाड़ा में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान था वो स्थानीय मुद्दों की तरफ ज्यादा था, स्थानीय मुद्दों की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा था। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, 2 से 3 घंटे में सभी यहाँ पर तस्वीरें साफ होगी। बहुत शुक्रिया शाश्वत तमाम जानकारी देने के लिए।